आज का टॉपिक है नाउन, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। अब ये संज्ञा का प्रयोग जब हम किसी वाक्य में करते हैं तो ऐसे वाक्य का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट। फिर अगर हम चाहे तो वाक्य को और अधिक और अतिरिक्त बना सकते हैं, तो तब जाकर हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर आधारित कोई अतिरिक्त मतलब जोड़ना पड़े तो उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। और अगर हम क्रिया पर कोई अतिरिक्त मतलब जोड़ना चाहे तो उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब। इस प्रकार से एक वाक्य का फॉर्मूला होता है एस वी ओ सी और ए। इसका अर्थ यह होता है कि एस वी ओ इनमें ही एक संपूर्ण अर्थ वाक्य का आ सकता है, लेकिन जब हमें अतिरिक्त मतलब जोड़ना पड़े सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर तो हम कॉम्प्लीमेंट को जोड़ सकते हैं, और क्रिया पर अतिरिक्त मतलब जोड़ना हो तो एडवर्ब को जोड़ सकते हैं। तो एक वाक्य लिख के देख लेते हैं। मैंने कहा राम बॉट अ पेन, तो इतने में ही मैं एक संपूर्ण अर्थ देने के लिए सक्षम है, मैं संपूर्ण अर्थ दे पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं और अतिरिक्त जोड़ना चाहूँ कि मैं कहना चाहता हूँ कि राम ने एक पेन खरीदा, उसके जगह ये कहना चाहता हूँ कि राम ने एक लाल रंग के पेन खरीदा, तो मैंने कहा राम बॉट अ पेन, उसके बाद लाल रंग के ये बताते हुए रेड इन कलर हम जोड़ सकते हैं। और फिर क्रिया की विशेषता बताते हुए और अतिरिक्त मतलब जोड़ते हुए क्रिया विशेषण में आते हैं। तो फिलहाल हम इतना सोच लेते हैं कि एक वाक्य के अंदर में संज्ञाओं का स्थान कहाँ कहाँ हो सकता है। तो सबसे पहला आया सब्जेक्ट में, फिर आया ऑब्जेक्ट में, और फिर रेड और कलर जैसे शब्दों का प्रयोग हमने कॉम्प्लीमेंट में किया, तो ऐसे जगहों पे भी आ सकता है। लेकिन जब इन संज्ञाओं को हमें संपूर्ण रूप से जानकारी लेना है कि संज्ञा का सब्जेक्ट रूप ऑब्जेक्ट में या कॉम्प्लीमेंट में कैसे लिखा जाएगा, इनके लिए कुछ चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला चीज़ है टाइप्स, यानी कितने प्रकार के संज्ञा होते हैं। फिर ऐसे संज्ञाओं के कितने फॉर्म्स होते हैं, आधार। फिर ऐसे संज्ञाओं के जेंडर क्या होते हैं, लिंग। फिर ऐसे संज्ञाओं के नंबर क्या होते हैं, वचन। और ऐसे संज्ञाओं को किसी वाक्य में डालने के कारण कौन से केस में लिखा जा रहा है, यानी स्थिति। तो ये पांच चीजों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं टाइप से। तो ऐसे संज्ञा हिंदी में तो होते हैं तीन, जिन्हें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा कहते हैं, और इंग्लिश में उन्हें कहते हैं प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा और मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। तो इनमें से जो पांच संज्ञा आप देख रहे हो, इनमें से जो प्रॉपर नाउन है ये उन नामों से पहचान हो जाता है जिनके लिए अलग से पहचान करवाने की जरूरत नहीं है। यानी अगर हम किसी व्यक्ति का नाम राम से पुकारते हैं तो सभी को पता है कि राम व्यक्ति कौन है। अगर हम किसी जानवर का नाम काऊ कहते हैं तो सभी को पता है कि काऊ क्या है। तो ये संज्ञा जिन नामों से संबंधित होता है उनका नाम उल्लेख करने से ही मुंह से निकलते ही अगला को पहचान हो जाता है ये किसकी बात किया जा रहा है। अगर मैं किसी व्यक्ति का नाम राम से पुकारता हूँ तो सभी को पता है राम क्या होता है। अगर किसी जानवर का नाम मैं काऊ कहता हूँ तो सभी को पता होता है कि काऊ कौन सा जानवर है। इस प्रकार से किसी भी नाम जिनका नाम से ही पहचान हो जाता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और ऐसे संज्ञाओं को निश्चित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी इनसे पहले ना ए ना एन ना दी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये आर्टिकल्स की मोहताज नहीं है। परंतु बाकी जो चार है जिन्हें जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और पदार्थवाचक,
इन चारों भागों, चार संज्ञाओं को दो भागों में बांटा गया है, जिनमें जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं से पहले हमें आर्टिकल लगाना पड़ता है, यानी ए एन दी लगाना पड़ता है, जिससे उसका पहचान होता है कि वो जातिवाचक संज्ञा जिस श्रेणी में आता है वो एकवचन है या बहुवचन, समूह किस रूप में है, ये बताना पड़ता है। परंतु जब भाववाचक और पदार्थवाचक संज्ञाओं में आते हैं तो इनको हम आर्टिकल्स लगाकर संबोधित नहीं कर सकते, जब तक इनका प्रयोग हम किसी वाक्य की सब्जेक्ट में करेंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट में करते ही इनका एक वचन से बहुवचन नहीं हो सकता, इसीलिए इन्हें गिना नहीं जा सकता। तो ऐसे संज्ञाओं को हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, इन्हें गिना नहीं जा सकता। परंतु इन्हें गिना जा सकता है, इसीलिए ऐसे संज्ञाओं को कहते हैं काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, यानी जिन संज्ञाओं को गिना जा सकता है उनका एक वचन बहुवचन दोनों ही होता है, और जिन्हें गिना नहीं जा सकता तो उनका बहुवचन का कोई बात ही नहीं है, इसके लिए ऐसे संज्ञाओं को केवल एक वचन में लिखा जाता है। तो जिनका एक वचन बहुवचन होता है यानी काउंटेबल नाउन, उनसे पहले ए एन दी लगाना अनिवार्य है। जो अनकाउंटेबल है, जिनसे पहले हम ए एन दी नहीं लगाते कि इन्हें एक वचन से बहुवचन नहीं किया जा सकता। परंतु इंग्लिश में एक कहावत है कि अनकाउंटेबल नाउन को आप चाहो तो काउंटेबल बना सकते हो, परंतु काउंटेबल नाउन को अनकाउंटेबल नाउन नहीं बना सकते। इसका अर्थ ये होता है इसका अर्थ ये निकलता है कि अगर मैं किसी वाक्य में ये कहूं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और अगर ऐसे वाक्य के पहले अगर आपके खाली स्थान देकर ऑप्शन पूछा जाए ए एन दी नो आर्टिकल, तो मैं देखूंगा जिस शब्द का प्रयोग किया गया है क्या इन्हें बहुवचन किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो है ऑनेस्टी का अर्थ होता है ईमानदारी, ईमानदारी कभी बहुवचन हो नहीं सकते। तो जब बहुवचन ही हो नहीं सकते तो उनसे पहले तो एन और ए का कोई गुंजाइश है ही नहीं। अब रह गया कि ऐसे शब्दों से पहले अगर ए एन नहीं लगते तो क्या दी भी नहीं लगते, तो ये डिपेंड करता है कि वो संज्ञा का स्थान कहाँ है, यानी अनकाउंटेबल संज्ञा को आपने कहाँ स्थान दिया। तो इस वाक्य के सब्जेक्ट ऑनेस्टी है, वर्ब इज है, और दी बेस्ट पॉलिसी ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के रूप में जैसा हम लोग देखेंगे वो बात के विषय है वो है। अब बात ये है कि ये जब सब्जेक्ट में स्थान ले लिया और ऑनेस्टी एक अनकाउंटेबल नाउन है तो उनसे पहले हम ए एन दी नहीं लगा सकते, यानी उत्तर आना चाहिए नो आर्टिकल। परंतु अगर ऐसे शब्दों को हम सब्जेक्ट से उठा के ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं तो वो अनकाउंटेबल संज्ञा से काउंटेबल संज्ञा बनते हैं। तो ऐसे शब्दों से पहले ए एन तो नहीं लगा सकते, परंतु दी जरूर लगा सकते हैं। अब इस वाक्य को थोड़ा सा चेंज करके अगर मैं लिखूं, इट्स डैश ऑनेस्टी दैट पेज, और इस जगह में चार ऑप्शन दे दिया जाए ए एन दी और नो आर्टिकल, अगर ऐसे ऑप्शन दे दिया जाए इस ऊपर वाले वाक्य में तो इसमें तो कोई आर्टिकल लगेगा नहीं, लेकिन इस जगह में आपने इट को बनाया सब्जेक्ट, इज को बनाया वर्ब, यानी आप ऑनेस्टी को आपने जहां स्थान दिया वो है ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट होते ही वो जातिवाचक बन जाता है। तो वहां पे आपको जातिवाचक से पहले दी लगाना अनिवार्य होंगे। क्यों? क्योंकि आप ए एन तो ऑनेस्टी से पहले लगा नहीं सकते, इसीलिए आपको दी लगाना पड़ता है। तो वाक्य बनते हैं इट्स दी ऑनेस्टी दैट पेज, इसका मतलब है ये ईमानदारी ही है जिनका अहम भूमिका होता है, जो कीमत मूल्यायन करते हैं, इस प्रकार से देते हुए हम उनको दी लगा सकते हैं। लेकिन पहले वाक्य में ऑनेस्टी को आपने सब्जेक्ट में जगा दिया जहां वो भाववाचक रूप में प्रयोग हुआ, और भाववाचक अनकाउंटेबल होने के कारण ए एन दी नहीं लगाया जा सकता। इस प्रकार से आपने टाइप्स और फॉर्म्स का प्रयोग कर सकते हो। तो
अब हम आते हैं जेंडर में। तो जेंडर, जैसे मैंने आपको कह रहा था कि जेंडर इन हिंदी में अगर चले तो दो भाग होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अगर हम संस्कृत को ले लेते हैं तो नपुंसकलिंग, और इंग्लिश में आए तो चार लिंग होता है, मैस्कुलाइन जेंडर जिन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर जिन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं, न्यूटर जेंडर जिन्हें हम नपुंसक लिंग कहते हैं, और कॉमन जेंडर जिन्हें हम उभय लिंग कहते हैं। तो इन चार लिंगों में अगर हम जिनके लिए पहचान करते हैं वाक्य के अंदर, तो उसको देखने के लिए हमें सिर्फ इतना याद रखना पड़ता है कि संज्ञा थर्ड पर्सन में आता है, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, इनमें से किसी एक सर्वनाम से लिखा जाता है जो संज्ञा के स्थान पर आएंगे। और जब तक संज्ञा बहुवचन नहीं है तब तक तो दे लगा नहीं सकते, इसीलिए पुल्लिंग के लिए ही, स्त्रीलिंग के लिए शी, और नपुंसक लिंग के लिए इट का प्रयोग हम करते हैं। तो आते हैं कि किसी भी संज्ञा का ही रूप क्या होता है वो हम जानते हैं, किसी भी संज्ञा के शी रूप कौन से होते हैं वो भी हम जानते हैं, और हमने इट रूप नपुंसक लिंग के लिए किया है, तो साधारण रूप से हमें ये समझ में आता है कि इट वही होंगे जो बेजान वस्तु है। तो ये केवल बेजान वस्तु के लिए ही नहीं, बल्कि इट का रूप उन संज्ञाओं के स्थान पर लगाया जाता है जो इंसान नहीं है, चाहे वो बेजान वस्तु हो, गाय बकरे हो, पेड़ पौधे हो, फूल फल हो, तो इनके सर्वनाम रूप कभी ही और शी हो नहीं सकते, इसीलिए हम इट को लगाते हैं। तो जैसे मैं कह रहा था कि इंसान की श्रेणी में भी ऐसे चार भाग आते हैं जिनका सर्वनाम रूप इट से दिया जाता है, जिनमें सबसे पहले आता है इन्फेंट, नवजात शिशु, और वो जन्म लेने के बाद फ्रॉम बर्थ टू वन ईयर, एक साल तक वो नवजात रहता है। फिर बेबी बन जाता है जब वो दो साल से तीन साल की ओर आगे बढ़ते हैं, सॉरी एक से लेके दो साल की ओर चलते हैं, फिर किड जब वो दो साल से लेके तीन साल की ओर चलते हैं, और चार जब वो तीन साल से लेके चार साल की ओर चलते हैं, तो ये चार रूप बच्चों के नाम के साथ जोड़ा जाता है, इन्फेंट, बेबी, किड और चाइल्ड। तो जब एक बच्चा दो साल क्रॉस कर लेता है और दो से लेकर तीसरे साल की ओर किड के रूप में आगे बढ़ता है, तो इस उम्र में अगर हम चाहें तो बच्चे की स्कूल में दाखिला करके उनकी प्राथमिक शिक्षा शुरू करवा सकते हैं, और ऐसे स्कूलों को इंग्लिश में कहते हैं किंडर गार्टन। ध्यान रखिएगा, किंडर गार्डन नहीं, बगीचा नहीं, बल्कि किंडर गार्टन, जिन्हें हम कहते हैं के और जी, और इनका लोअर स्टेज को कहते हैं LKG, और अपर स्टेज को कहते हैं UKG। यहाँ दो से तीन साल की उम्र में एक साल वो LKG में पढ़ सकता है, और दूसरा तीन से चार साल के बीच में दूसरे साल UKG में पढ़ सकता है। इसके बाद वो पहले कक्षा में स्थान ले लेंगे, और पहले कक्षा में जाते ही वो या तो बॉय बन जाएंगे या गर्ल, और बॉय होते ही हो जाएंगे ही, और गर्ल होते ही हो जाएंगे शी। इसका अर्थ होता है कि इन चारों स्टेज में इनके सर्वनाम रूप ना ही ना शी बल्कि इट से लिखा जाता है। इनके अलावा और एक श्रेणी आते हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्रांसजेंडर किन्नर। अब किन्नरों को तो ना पुरुष कह सकते हैं ना नारी, इसीलिए ट्रांसजेंडर की हिजरा रूप को कहते हैं यूनैक, और यूनैक शब्द ना पुरुष होते हैं ना नारी, इसीलिए इनका सर्वनाम रूप केवल इट से दिया जाता है। तो इंसान के श्रेणी में पांच ऐसे शब्द आते हैं, इन्फेंट, बेबी, किड, चाइल्ड और यूनैक। इन पांच शब्दों के सर्वनाम रूप इट से लिखा जाता है। अब आते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग। तो कुछ संज्ञा ऐसे होते हैं कि उन्हें विषय में लगा देने पर
इतना तो पता चलता है कि ये इंसान संबंधित शब्द है, परंतु ये पता नहीं चलता है कि पुरुष है या नारी है। ऐसे जगहों में जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, स्टूडेंट, पेरेंट्स, इतना तो पता चलता है कि ये सारे इंसान हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि पुरुष है या नारी है। तो अगर ऐसे जगहों के लिए सर्वनाम रूप लगाने के लिए ही, शी, इट या दे लगाने के लिए कहा जाए तो मैं किसे लगा सकता हूँ? तो सबसे पहला है कि अगर ये बहुवचन में है तो ही, शी, इट नहीं बल्कि केवल दे ही बहुवचन रूप सर्वनाम में आ सकता है। और ऐसे शब्द एकवचन रूप में नापुंसक लिंग तो नहीं है, इसीलिए इट लग नहीं सकते, तो रह गया ही और शी। तो रूल कहता है कि जब तक आपके सब्जेक्ट में कॉमन जेंडर शब्द हो और उससे आपको ये पता नहीं चल रहा है कि ये नारी है या पुरुष है, और नारी का रूप सर्वरूप से अगर नहीं दिया जाए कि संपूर्ण रूप से ये नारी का अर्थ दे रहा है, तब तक उनका सर्वनाम केवल ही से आ सकता है। और ऐसे उभयलिंग शब्दों को नारी बनाने के लिए नारी संबंधित कोई शब्द इनके साथ जोड़ना पड़ेगा, यानी डॉक्टर है तो ही, परंतु लेडी डॉक्टर हो जाए तो शी। उसी तरह कांस्टेबल है तो ही, लेडी कांस्टेबल है तो शी। पेरेंट्स है तो ही, फीमेल पेरेंट्स है तो शी। स्टूडेंट है तो ही, गर्ल स्टूडेंट है तो शी। इस प्रकार से उनका रूप चेंज होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग उन्हें सेग्रीगेट करते हैं, उन्हें अलग करते हैं। तो जेंडर चार प्रकार के होते हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर और कॉमन। अब आते हैं वचन में, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं नंबर। नेक्स्ट आते हैं नंबर। नंबर यानी वचन। तो वचन के बारे में बात करते हैं तो वचन हिंदी में दो ही होते हैं, एक एकवचन और दूसरा बहुवचन। अब संस्कृत जोड़ दिया जाए तो उनके बीच में एक द्विवचन आता है। तो इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि एकवचन को इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर नंबर और बहुवचन को इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल नंबर। इसके बीच में जो द्वि है उसमें संज्ञा कभी एक नहीं हो सकता। सोचो कि आपके आपने इस तरफ एक वचन में बॉय लिखा है, बहुवचन में बॉयज लिखा है, तो द्विवचन बताते हुए बॉयज तो लिखोगे, लेकिन द्वि के लिए आपको कोई ना कोई शब्द डालना पड़ेगा। यानी टू बॉयज से पहले अगर टू शब्द ना हो और आपसे मैं पूछा जाए कि बॉयज कितने हैं, तो वो हमेशा दो से अधिक होंगे। यानी ये एक है, ये दो है और ये दो से अधिक है। तो इसका अर्थ ये होता है कि सिंगुलर से प्लूरल करते हुए जब हम एस सी एस आई एस जुड़ते हैं और उन संज्ञाओं से पहले द्वि जैसे कोई शब्द ना हो, तो वो संज्ञा हमेशा दो से अधिक होंगे। लेकिन अगर द्वि जैसे कोई शब्द जोड़ दिया जाता है तो ही वो दो का अर्थ लेता है। अब कितने सारे संज्ञा होते हैं तो उनको एक वचन से बहुवचन करने की क्या तरीका होना चाहिए? तो नियम कहता है कि सोचो आपके संज्ञा है बॉय और मैंने आपसे पूछा कि एक वचन से बहुवचन करने के लिए क्या क्या नियम है। तो बॉय को अगर आप बहुवचन करोगे तो क्या बनेगा? वो बॉयज। तो आपने इनके साथ क्या जोड़ा? एस। बॉक्स को अगर मुझे बहुवचन करना है तो बनेगा बॉक्सेस। तो इनके साथ हमने क्या जोड़ा है? ईएस। बेबी को अगर मुझे बहुवचन करना है तो बनेगा बेबीज। इनके साथ हमने क्या जोड़ा है? आई एस। नाइफ के साथ अगर मैं बहुवचन करना चाहूं तो बनेंगे नाइव्स। तो आपने क्या जोड़ा है? वी एस। ऑक्स के साथ अगर बहुवचन करना है तो बनेंगे ऑक्सन। तो इसका अर्थ आपने क्या जोड़ा है? ई एन। और अगर चाइल्ड को बहुवचन करना है तो बनेंगे चिल्ड्रेन। इनका मतलब होता है आर ई एन जोड़ा है। तो साधारण नियम के अनुसार एक वचन संज्ञा को बहुवचन करने के लिए एस, ई एस, आई ई एस, वी ई एस, ई एन और आर ई एन, यानी छह तरीके अपनाया जाता है। तो ये है साधारण नियम से एकवचन शब्द को बहुवचन करने के तरीका। और ये सारे शब्द अगर कोई पूछे ये कितने हैं
तो आप हमेशा कह सकते हो ये दो से अधिक है, क्योंकि ऐसे शब्दों से पहले द्वि लगाने पर ही ये दो है, नहीं तो दो से अधिक। अब ये है साधारण नियम। अब अपवाद नियम में आते हैं। अपवाद यानी जिन्हें हम कहते हैं एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन आने से पहले थोड़ा सा चर्चा और कर लेते हैं इनके बारे में। एक्सेप्शन थोड़ी देर के बाद आते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे कितने संज्ञे होते हैं, संज्ञा होते हैं जिन्हें हम एस ऐसे शब्दों से बहुवचन करते हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि किस जगह में कैसे बहुवचन होंगे, उसके लिए कुछ नियम है, उन नियमों को फॉलो करते हैं। इंग्लिश में केवल एक ही शब्द है जो एक वचन से बहुवचन करने के लिए REN जोड़ा जाता है, वन वर्ड, केवल एक ही, वो चाइल्ड से चिल्ड्रन, और कोई दूसरा शब्द नहीं है। ऑक्सन को बहुवचन यानी ऑक्स को ऑक्सन करते हुए जो EN आपने जोड़ा है, इस रूप से बहुवचन करने के तीन शब्द होते हैं, केवल तीन। एक तो है ऑक्स जो ऑक्सन बनते हैं, और दूसरा है मैन जिनका बहुवचन होता है मेन, और तीसरा है वोमन जिनका बहुवचन होता है वीमेन। तो इस प्रकार से आपके तीन शब्द होते हैं जिन्हें हम EN जोड़ के बहुवचन करते हैं। जब हम VES से बहुवचन करते हैं, BES से बहुवचन करने के लिए संज्ञा के आखिर में आपको F, FE या डबल F दिख जाए किसी संज्ञा के आखिर में, और उन्हें बहुवचन करना हो तो उन्हें प्लूरल करते हुए इन्हें हटाकर इनके स्थान पे VES जोड़कर बहुवचन किया जा सकता है। यानी नाइफ में से FE हटा दूं और VES जोड़ दूं तो बहुवचन में वो बन जाएंगे नाइव्स। अगर पत्नी एक है तो वाइफ है, एकाधिक हो जाए तो FE हटा के VES जोड़ दो तो वाइव्स हो जाएंगे। वुल्फ, WOLF, वुल्फ, इन्हें भेड़िया कहते हैं। तो एक भेड़िए को कहते हैं वुल्फ, और भेड़ियों को कहते हैं वुल्फ में से लास्ट में F हटा दो और VES जोड़ दो तो वुल्फ बन जाएंगे वुल्व्स। इस प्रकार से हम उन्हें बहुवचन कर सकते हैं, और यहां से शुरू हो जाता है आपके एक्सेप्शन नियम। तो इस एक्सेप्शन नियम कहता है कि जिन संज्ञाओं को आप F, FE और FF से हटाकर VES जोड़ने से उसका अर्थ बदल जाता है, तो उन्हें आप इन्हें हटाने से नहीं बल्कि F, FE और FF का एक्सेप्शन तरीका यह कहता है कि उनके साथ आप S को जोड़ दो तो वो बहुवचन हो जाएंगे। ये अपवाद नियम क्यों नहीं हटाना है तो देखते हैं। जैसे कि आपके पास अगर कैफे शब्द आ जाए और मैं इसका FE हटाकर VES जोड़ के बहुवचन बनाऊं, अगर VES से बनाऊं तो कैफे का हो जाएंगे केव्स, और अगर मैं इनके साथ S जोड़ू प्लस S तो कैफे बन जाएंगे कैफेज। तो देखा जाता है कि FE उनको हटा के VES जोड़ने से जो केव शब्द बन रहा है वो कैफे शब्द का बहुवचन नहीं बल्कि उनका अर्थ ही बदल दिया है। तो ऐसा तो हो नहीं सकते, इसीलिए कैफे का S जोड़कर कैफेज बनाकर हम उन्हें चाहे तो एक्सेप्शन नियम के अनुसार बहुवचन बना सकते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि जिन संज्ञाओं को F, FE और FF लगाने हटाकर VES जोड़ने से बहुवचन होता है तो वो साधारण नियम है, और उन्हें ना हटाकर S जोड़ दिया जाए तो वो एक्सेप्शन नियम है। तो इनमें कुछ शब्द ही होते हैं जिनकी ये स्थिति अप्लाई होता है। साधारण नियम से इन शब्दों का बहुवचन रूप इन्हें हटाकर VES जोड़कर ही किया जाता है। फिर आते हैं ऊपर वाले में। कॉमन नियम कहता है कि जिन संज्ञाओं के आखिर में वाई आते हैं उन संज्ञाओं के पीछे की अक्षर को एक बार चेक करो कि क्या वो स्वर यानी वोवेल है या व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट है। यानी अगर वोवेल है और उसके बाद वाई से एंड होता है तो उनके साथ एस जोड़ के बहुवचन कर दो, और अगर कॉन्सोनेंट है फिर वाई से एंड होता है तो वाई हटाकर IES जोड़ के बहुवचन कर दो। यानी बेबी, बेबी के आखिर में वाई है और उसके पीछे की अक्षर बी है, बी है कॉन्सोनेंट, तो इसका मतलब है वाई को हटाना पड़ेगा और IES डालना पड़ेगा।
तो बन जाता है बेबीज। जैसे आपने कॉन्सोनेंट वाई देखा, वाई हट गया, आई एस जुड़ गया और इस प्रकार से बेबीज हो गया। लेकिन अगर बॉय में जाए तो बॉय में भी वाई एंड्स होता है, उससे पहले ओ है, ओ एक वॉवेल है और वॉवेल होने से वाई को हटाया नहीं जाता बल्कि उनके साथ एस जोड़ा जाता है। जैसे वॉवेल प्लस वाई प्लस एस, तो इस प्रकार से बॉय बन गया बॉयज। अब आपके सामने कितने भी इंग्लिश टफ वर्ड आ जाए, चाहे उसका अर्थ आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मुझे एंड में वाई दिख गया, उसके पीछे के अक्षर को देख लूंगा, पीछे के अक्षर अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटा के आई एस कर दूंगा और अगर वॉवेल है तो एस जोड़ दूंगा, ऑटोमेटिकली वो बहुवचन हो जाएगा। तो ये है आई एस का नियम। और इसके बाद आते हैं बॉक्स यानी ई एस। तो रूल कहते हैं कि जिन संज्ञाओं के आखिर में आपको एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ या जेड ये दिख जाए, तो इनके साथ ई एस जोड़ के आप बहुवचन कर दो तो बहुवचन हो जाएगा। यानी अगर क्लास एक ही है, कक्षा एक ही है तो क्लास है, एकाधिक हो जाए तो क्लासेस यानी एस एस होने पर ई एस जोड़ा जा सकता है। सोचो कि आपके पास एक ही ब्रश है, एकाधिक हो जाए तो क्या बन जाएगा, ब्रशेस। सोचो कि धोनी ने एक ही कैच पकड़ा है तो कैच है, एकाधिक पकड़ लिया तो क्या बन जाएगा, कैचेस। उसके बाद सोचो कि टैक्स, मैंने साल भर एक ही बार टैक्स दिया तो टैक्स है, एकाधिक बार दे दिया तो बन गया टैक्सेस। उसी तरह सोचो कि आलू एक ही है तो पोटैटो है, एकाधिक आलू हो जाए तो पोटैटोस। और उसी तरह अगर धुन एक ही है तो बज है, एकाधिक हो जाए तो बजेस। इस प्रकार से हमने सीख लिया कि जिन संज्ञाओं के आखिर में एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ या जेड आ जाए, उनके बहुवचन केवल ई एस जोड़कर किया जाता है। यह तक साधारण नियम है। अब इनमें शुरू होता है एक्सेप्शन नियम। अब एक्सेप्शन नियम यह कहता है, एक्सेप्शन नियम यह कहता है कि अगर आपके किसी वाक्य के एंड में सी एच या ओ दिख जाए तो उनको ई एस के बगैर एस से भी किया जा सकता है बहुवचन, बशर्त यह है कि सी एच किसी संज्ञा के आखिर में आए और सी एच अगर चे का साउंड लेता है तो ई एस जोड़ा जाएगा और अगर के का साउंड लेता है तो एस जोड़ा जाएगा। यानी अगर आपके पास सोचो कि वर्ड है एल ए टी सी एच, तो इसका उच्चारण लैक नहीं लैच है, तो इसमें चे साउंड आ रहा है, तो चे साउंड आने के कारण लैच को बहुवचन करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा लैचेस। लेकिन अगर मैं यूनेक शब्द का प्रयोग करता हूं या मोनार्क शब्द का प्रयोग करता हूं तो ये सी एच के का साउंड लेता है, यानी ये यूनेक है और ये मोनार्क है, तो इनको बहुवचन करने के लिए यूनेक बन जाएंगे यूनेक्स और मोनार्क बन जाएंगे मोनार्क्स। इस प्रकार से, और मोनार्क शब्द का अर्थ होता है राजाओं का राजा यानी सम्राट। तो इस प्रकार से हम उन्हें बहुवचन कर सकते हैं। और ये सारे नियम जो आपके ई एन, आर ई एन, आई एस, वी एस जिन नियमों के अनुसार होता है, उन शब्द के एंड में नहीं है ऐसे शब्द, तो आप कोई भी दूसरे अक्षर होने पर उन्हें। अब आते हैं केस में। तो संज्ञाओं में क्या होता है,
कि हम लोग जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के अनुसार कोई वाक्य लिखते हैं तो उस वाक्य में संज्ञाओं का प्रयोग हम सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं, नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। ऐसे जगहों में ये देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमें कोई अतिरिक्त मतलब किसी वाक्य में जोड़ना होता है तो मुझे ये देखना होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से कौन सा है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वाक्य के अंदर में। ऐसे जगहों में संज्ञाओं के हिसाब देखा जाता है। जैसे मैं दो वाक्य लिख रहा हूँ, इन दोनों वाक्यों को थोड़ा गौर करना ज़रूरी है। द मैन किल्ड द टाइगर, और सेकेंड सेंटेंस कह रहा है द हंटर किल्ड द टाइगर। तो इन दोनों वाक्य में वर्ब और ऑब्जेक्ट सेम है, बिल्कुल सेम। इसमें सिर्फ अंतर है सब्जेक्ट में कि शेर को मारने वाला एक व्यक्ति है और शेर को मारने वाला शिकारी है। तो तब जाके ऐसे वाक्य में ये देखना पड़ता है जहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में ही नाउन है तो किसको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, किसका वेटेज ज्यादा है। अगर मैं पूछता हूं क्रिया से कि क्रिया यानी हत्या करने की क्रिया किसके लिए स्वाभाविक है जानवर जैसी चीजों को, तो मैन या हंटर, तो आप बोलोगे हंटर। इसका मतलब है हंटर ने शिकार किया उतना महत्व नहीं है क्योंकि उसका काम ही है शिकार करना, बल्कि किसका शिकार किया गया है यानी ऑब्जेक्ट को ज्यादा महत्व दिया गया है। लेकिन अगर पहले वाक्य में जाए और सोचे कि शेर को मारने वाला अगर आम इंसान है तो आम इंसान का काम नहीं है शेर मारना, तो इसके लिए हमें जानना पड़ता है कि शेर को मारा किसने, तो तब जाके शेर से ज्यादा महत्व आम इंसान यानी द मैन हो गया। इस हिसाब से देखते हुए पहले वाक्य की जो सब्जेक्ट है वो ज्यादा ऑब्जेक्ट से ज्यादा वेटेज है, इसीलिए इस वाक्य को हम लोग कौन से केस में डाल सकते हैं, और उस केस को कहते हैं नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस। और दूसरे वाक्य में हंटर से ज्यादा महत्व ऑब्जेक्ट हो गया यानी सब्जेक्ट से ज्यादा महत्व ऑब्जेक्ट का, इसीलिए ऐसे वाक्य को हम कहते हैं एक्यूजेटिव केस में है, जिन्हें हम ऑब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। इस प्रकार से दो केस संज्ञाओं के महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपने क्या क्या सीख लिया, टाइप्स, फॉर्म्स, जेंडर, नंबर और केस। इस तरह से इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें वाक्य के अंदर में सब्जेक्ट का प्रयोग करना पड़ता है, और नाउन जैसे चीज अगर सब्जेक्ट हो तो उनका प्रयोग कैसे होना है, वो सारे फॉर्मेशन इस तरह से होना चाहिए। अब फाइनल आते हैं। अब फाइनल रह गया कि अ नाउन एक संज्ञा शब्द कैन बी रिप्लेस्ड और कैन बी टेकन फ्रॉम अ वर्ब एक क्रिया से, एन एडजेक्टिव एक विशेषण से, एन एडवर्ब एक क्रिया विशेषण से। हम अगर चाहते हैं कि एक क्रिया शब्द, एक विशेषण शब्द और एक क्रिया विशेषण शब्द को संज्ञा बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो क्रिया विशेषण को संज्ञा बनाने के लिए विशेषण में बदलना पड़ेगा, फिर विशेषण से उन्हें संज्ञा बनाना पड़ेगा, और क्रिया से हम चाहे तो संज्ञा भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अगर आपने किसी को उत्तीर्ण किया तो आपने उत्तीर्ण करने को इंग्लिश में कहते हैं प्रोमोट। तो आपने किसी को अगर उत्तीर्ण किया तो उसे मिला क्या, तो उसको मिला प्रोमोशन। तो बेसिकली हुआ क्या, तो इस प्रोमोट शब्द के साथ जो टी आई ओ एन आपने जोड़ा, इन्हें कहते हैं सफिक्स या तो प्रीफिक्स। तो इन इस जगह में आप सफिक्स नहीं, बेसिकली टी आई ओ एन को आप प्रीफिक्स के रूप में जोड़ रहे हो, तो इस प्रकार से वो प्रोमोट शब्द प्रोमोशन में बदल गया। तो बेसिक्स क्या निकला कि अगर हमें संज्ञा से किसी दूसरे शब्द या दूसरे शब्दों से संज्ञा जोड़ना है तो हमें उन्हें सफिक्स, प्रीफिक्स और बोथ उन्हें जोड़कर हम कर सकते हैं।
इस प्रकार से दूसरे शब्दों को संज्ञा में बदलना या संज्ञा से दूसरे शब्दों में बदलना, उनके लिए हमें चाहिए सफिक्स और प्रीफिक्स। इनको अगर हम किसी शब्द के साथ जोड़ देते हैं तो शब्द अपना रूप अपने आप बदल सकता है, चाहे वो संज्ञा हो या किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच। थैंक यू। वीणा पाणी की अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम उत्कृष्ट लगन समन्वय व पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे और जो कुछ करनीय है उसके लिए नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जय श्री राम। आंसर की जल्दी लगानी है। आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन आरएस प्रॉपर। थैंक यू बेंच ऑफ प्लान शानदार तालियां लौटी देने के लिए। मेरे पकड़ा उस पानी में डाल दिया जबरदस्त, उसका सांस घुटने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने वो जोर से दबा दिया, उसने पूरा जोर लगा दिया और जब एक दो मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापिस आया तो उसने कहा गुरुजी ये आपने क्या किया, मैं तो क्या पी रहा था और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल लास्ट में आपको कैसा महसूस हो रहा था, जब एक एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा दूं किसी तरह से बाहर निकल जाऊं। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग वो एफर्ट वो आप उसमें लगाओगे वो शिद्दत है, और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे आप क्यों नहीं लक्ष्य आपसे। इसके बाद प्रांत पत्र के जर्नल हेड विनोद जी चौहान का भी ये विजय स्तंभ है, ये आप सबके भी आप पे मैं ले रहा हूँ आपकी विजय के लिए।